Hello, my dear aspirants. This is Sabiya Ruksar here, currently working as an RRBPO. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you are doing good and preparing well for the upcoming examinations. I am talking here about SBI, J A, and RRBPO or clerk examinations. एंड कल आपके और भी कुछ स्टेट्स की वैकेंसीज बढ़ी है आर आर बीज में आई बिलीव आपने अपडेटेड वैकेंसीज जो है वो देख ली होंगी सो so अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है दे कैन जस्ट गो एंड फिल अप द फॉर्म्स ओके सो इन दिस सेशन फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई स फॉर यू ओके दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड लास्ट सेशन में भी आपने इस टॉपिक पर अलग से सेशन की डिमांड की थी एंड आई नो बहुत से डाउट्स जो हैं वो ऐसे भी अराइज़ होते हैं so, सो यहां पर टेनॉज सिलोजिज्म के क्वेश्चन आप और हम सॉल्व करेंगे एंड इफ यू ऑल्सो नीड क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक वॉच इट टिल द एंड ओके सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट द सेशन सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज ओनली अ फ्यू वुड इज मेटल कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन स्टार्ट करने से पहले हम समझा देंगे हम सिलोजिजम को डायग्राम के थ्रू सॉल्व uh, करते हैं वेन डायग्राम्स के थ्रू और कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए कुछ पर्टिकुलर डायग्राम्स हम बनाते हैं अगर आप बिल्कुल ही इस टॉपिक से अनजान हैं तो ठीक है सो द फर्स्ट थिंग इज हम बात करते हैं ऑल के बारे में जब भी हम बोलेंगे ऑल वुड इज़ ग्लास ऑल डैश इज डैस तो ऑल वुड इज ग्लास तो वुड को अंदर रखते हैं ग्लास को बाहर रखते हैं आप देख रहे हैं ना पूरा का पूरा वुड जो है वो ग्लास के अंदर आ गया है तो ये होता है ऑल का डायग्राम ठीक है अब हम बात करते हैं नो मेटल इज मार्बल अगर हम मेटल और मार्बल के बीच में नो no का रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग होने चाहिए ये हो गया नो का सम के लिए हम ऐसे शो करते हैं कि हाँ इसका कुछ पार्ट जो है वो इसका भी पार्ट है ठीक है ये हो गया ऑल नो और सम सबसे बेसिक हैं ये तीनों उसके बाद कुछ जो है ना वैरायटी वो आने लगी है जैसे ओनली अ फ्यू वुड इज मेटल ओनली अ फ्यू मतलब ओनली अ फ्यू अगर सिर्फ फ्यू लिखा रहता तो आपको याद रखना है सम ही है अगर मोस्ट लिखा रहेगा वो सम ही है सम मतलब ये वाला डायग्राम ठीक है मोस्ट फ्यू Uh, कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा तो ठीक है टू मच इसका मतलब है कुछ भी लिखा रहे उसका मतलब सम है लेकिन ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि ये वुड है ये मेटल है इसका कुछ ही पार्ट मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो मेटल है ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता तो ओनली अ फ्यू वुड इज मेटल का थोड़ा सा मतलब अगर आप समझेंगे तो मतलब ये है कि ऑल वुड इज़ नॉट मेटल ओनली अ फ्यू वुड इज मेटल मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट ठीक है अब हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा एक और चीज में समझाना चाहती हूँ कि लिखा हुआ रहता है ओनली वुड इज मेटल अगर लिखा है ओनली वुड इज मेटल मतलब सिर्फ W ही M हो सकता है तो उस केस में हमें क्या करना है उस केस में आपको एंश्योर करना है कि सिर्फ वुड ही मेटल हो आई I मीन mean, ओनली वुड इज मेटल अगर लिखा हुआ है तो आप वुड बनाएंगे और मेटल को उसके अंदर रखेंगे दैट मीन्स मेटल के अंदर आपको कुछ नहीं लाना है ना ही मेटल के बाहर कुछ लाना है अगर आपने बाहर ले आया तो ये वाला भी मेटल में शामिल हो जा रहा है ठीक है आपको सिर्फ वुड को ही मेटल बनाना है वुड का जो पार्ट है वो ही पूरा मेटल है ना अंदर आप देख रहे हैं तो ओनली वुड इज मेटल मेटल जो है वो डब्लू के अलावा कुछ नहीं हो सकता डब्लू का ही ये पार्ट है अंदर ठीक है तो इस केस में ऐसा डायग्राम बनता है ठीक है ना ही हम मेटल के अंदर उस केस में जैसे ये डायग्राम है डब्लू और एम तो उस केस में ना यहाँ पे बाहर कुछ लाएंगे ना यहाँ पे अंदर कुछ लाएंगे ठीक है पॉसिबिलिटीज़ वगैरह की केस जो होगी उसको बनाने के लिए हम कुछ भी बाहर अंदर नहीं लाएंगे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना अब जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आता जाएगा ठीक है ओनली अ फ्यू वुड इज मेटल अगर दिया हुआ है सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं ओनली अ फ्यू वुड इज मेटल ये होता है ओनली अ फ्यू का डायग्राम ठीक है मतलब इधर वाला पार्ट नहीं हो सकता इसलिए हम ऐसे काट देते हैं ठीक है ऑल वुड इज़ ग्लास ठीक है वुड के पूरे बाहर हमें ऐसे ग्लास बना देना है नो मेटल इज मार्बल ठीक है ये मेटल था ये बिल्कुल भी मार्बल से रिलेटेड नहीं है इसलिए इसको ऐसे बनाएंगे ठीक है अब हम देखते हैं कंक्लूजन कि कौन सा सही है कौन सा गलत है सम मेटल बींग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी कुछ मेटल ग्लास हो सकते हैं पॉसिबिलिटी नहीं हमें दिख रहा है कि कुछ मेटल ग्लास हैं ठीक है तो जब भी कोई सही सिचुएशन है उसे बोल दे रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी बोल दे रहा है तो वो गलत हो जाएगा क्यों वो ऑलरेडी सही है तुम उसे पॉसिबिलिटी नहीं बता सकते वो ऑलरेडी सही है सम मेटल ग्लास है ठीक है हमें डायग्राम से दिख रहा है दिख रहा है ना ये देखिए ग्लास जो है और ये मेटल है ये हमें दिख रहा है कि आपस में सम के रिलेशन से रिलेटेड है इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है ये एक्चुअल में है तो तुम पॉसिबिलिटी नहीं बता सकते इसलिए कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा फिर देखिए सम वुड इज नॉट मार्बल सम वुड इज नॉट मार्बल यहां पर कहना चाहता है कि कोई भी वुड मार्बल नहीं है ठीक है तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जब भी सम नॉट का केस आता है जब भी सम नॉट का केस आता है तो आपको ऑल को चेक करके देखना है ठीक है तो हम यहाँ पे क्या चेक करके देखने की बात कर रहे हैं कि ऑल का केस फुलफिल हो रहा है कि नहीं ठीक है तो हम यहां पर चेक करेंगे कि ऑल वुड इज मार्बल हो रहा है कि नहीं ठीक है देखिए ऑल वुड और मार्बल को ऐसे अगर हम लोग बना देते हैं ठीक है उसके बाद हम स्टेटमेंट्स पे जाते हैं ठीक है ओनली अ फ्यू वुड इज मेटल ऐसे बनाना पड़ेगा हमें ऑल वुड इज ग्लास तो ग्लास ऐसे बनाना पड़ेगा वुड के पूरे बाहर नो मेटल इज मार्बल अब देखिए मेटल और मार्बल तो एक दूसरे में कोइनसाइड कर गए हैं तो कैसे नो मेटल इज मार्बल फुलफिल हो पाएगा मतलब ऑल का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो सम नॉट का कंडीशन सेटिस्फाई होगा मैंने आपको समझाया था जब भी कभी ऑल का कंडीशन गलत साबित होगा तो सम नॉट का कंडीशन सही होगा ऑल का कंडीशन सही होगा तो सम नॉट का कंडीशन गलत होगा इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट जो है वो गलत हुआ सेकेंड जो है वो सही हुआ तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ओनली सेकेंड फॉलोज ठीक है आगे बढ़ते हैं ओनली अ फ्यू टिम्बर इज टेक्सटाइल टिम्बर को बना दिया हमने टेक्सटाइल को बना दिया हमने यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे कर देंगे ठीक है ओनली टेक्सटाइल इज लेदर ठीक है ओनली टेक्सटाइल इज लेदर मैंने आपको ओनली का डायग्राम क्या समझाया था कि आप ऐसे अंदर लेदर ड्रॉ कर देंगे ओनली टेक्सटाइल लेदर जो है वो कुछ और नहीं हो सकता टेक्सटाइल के अलावा ठीक है इसका मतलब ये है नो टेक्सटाइल इज सिरेमिक ठीक है नो टेक्सटाइल इज सिरेमिक ठीक अब देखिए कंक्लूजन क्या है नो टिम्बर इज लेदर नो टिम्बर इज लेदर आपको दिख रहा है टिम्बर और लेदर के बीच में कोई भी रिलेशन uh, नहीं है ठीक है ऑल टेक्सटाइल कैन बी सिरेमिक ओल टेक्सटाइल कैन बी सिरेमिक यहाँ पर कह रहा है नो टेक्सटाइल इज सिरेमिक तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ऑल्ड टेक्सटाइल इज सिरेमिक यहाँ पर हमें उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है तो, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा तो आंसर क्या होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज ठीक है ओनली फर्स्ट फॉलोज उसके बाद देखिए ओनली अ फ्यू आयरन इज अ स्टील ठीक है ओनली अ फ्यू आयरन इज स्टील ठीक सम स्टील इज कॉपर ओके सम स्टील इज कॉपर ओनली कॉपर इज प्लास्टिक ओके ओनली कॉपर इज प्लास्टिक सम कॉपर इज आयरन यहाँ पर दिख रहा है क्या कॉपर और आयरन के बीच में कोई भी रिलेशन आपको दिख रहा है क्या नहीं नो आयरन इज कॉपर ऐसा भी दिख रहा है क्या नहीं हमें नहीं दिख रहे हैं दोनों चीज़ें लेकिन जब भी सेम वर्ड्स के साथ देखिए आयरन आयरन कॉपर कॉपर सम नो जब भी सेम चीज़ों के साथ आपका सम और नो का कंडीशन आता है तो आपका आंसर होगा कि आइधर ये फॉलोस या ये फॉलोस। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे कि आइधर वन और टू फॉलोस। अब ऐसा इसलिए होता है कि जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया है तो ना हमें ये दिख रहा है कि कॉपर आयरन है या ना ये भी नहीं दिख रहा है कि कॉपर आयरन नहीं भी है है ना हम ऐसे बता तो नहीं सकते हम तो डायग्राम कैसे भी बना सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं ना कि देखिए अ फ्यू आयरन इज स्टील ऐसे बना दिया सम स्टील इज कॉपर ऐसे भी तो बना सकते थे उस समय मैंने ऐसे बनाया था तो यहां पे आपको इन दोनों का रिलेशन नहीं दिख रहा था लेकिन ऐसे भी तो बना सकते हैं कि हाँ सम स्टील इज कॉपर तो यहां से तो रिलेशन दिख जाएगा है ना तो हम कुछ भी कह नहीं सकते इसके बारे में इसलिए या तो ये होगा या तो ये होगा इसलिए आइदर और का सिचुएशन आएगा ठीक है आगे देखिए ओनली अ फ्यू टेबल इज चेयर ओनली अ फ्यू टेबल इज चेयर ठीक ऑल चेयर इज विंडो ओनली विंडो इज डोर ठीक है ओनली विंडो इज डोर याद रखिएगा किसी में हमें सी में नहीं मिला देना है किसी में मिलाना नहीं है हमको सिर्फ विंडो के अंदर इसको डालना है और अलग से डालना है ये अलग रहे ठीक है आप देखिए क्योंकि बोल दिया है ओनली विंडो इज़ डोर इसलिए ये अलग होना चाहिए सिर्फ विंडो ही डोर हो सकता है और कुछ नहीं तो देखिए कंक्लूजन सम विंडो इज टेबल कुछ विंडो टेबल हैं दिख रहा है येस yes, दिख रहा है हमें दिख रहा है सम चेयर इज नॉट अ डोर सम चेयर इज नॉट अ डोर मतलब कुछ चेयर जो हैं वो डोर नहीं है ऐसा दिख रहा है हाँ बिल्कुल दिख रहा है ठीक है तो क्या बोलेंगे हम लोग सेकेंड भी सही है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बोथ वन एंड टू फॉलोस आगे बढ़ते हैं अफ ओनली अ फ्यू परफ्यूम इज फेस सिरम्स ओनली अ फ्यू परफ्यूम इज फेस सिरम्स सम फेस सिरम्स आर सोप बार ठीक है सम फेस सिरम्स आर सोप बार ऑल सोप बार इज बॉडी वॉश ठीक है ये बना लिया हमने डायग्राम अब देखिए कंक्लूजन सम फेस सिरम बींग बॉडी वॉश इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ फेस सिरम बॉडी वॉश हो ये पॉसिबिलिटी है क्या ये पॉसिबिलिटी है ये तो हमें दिख रहा है कि हाँ फेस सिरम जो है कुछ बॉडी वॉश हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ये सही बात है तो आप इसे पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकते ठीक है अब नो सोप बार इज परफ्यूम नो सोप बार इस परफ्यूम आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है रिलेशन तो हम बना सकते हैं थोड़ा सा डायग्राम को इस तरफ खिसका देंगे तो इसलिए नो सोप बार इस परफ्यूम आप ये भी नहीं बोल सकते ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ना इधर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज दोनों गलत हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं ओनली अ फ्यू वॉलट इज पीनट ओनली अ फ्यू वॉलट इज़ पीनट ठीक है ऑल पीनट इज़ कैश्यूज ठीक है ऑल पीनट इज कैश्यूज नो पीनट्स इज़ ऑलमंड्स इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ठीक है ऑल एलमंड्स कैन बी कैश्यूज बोलता है पूरा का पूरा एलमंड कैश्यूज हो सकता है तो हाँ हो सकता है देखिए ये एलमंड्स को एक सेकेंड ना पूरा का पूरा एलमंड्स जो है वो कैश्यूज हो सकता है पूछता है अगर मैं एलमंड को देखिए अगर मैं एलमेंड को वैसे ना करके यहाँ पे कर दूँ कि ऑल एलिमेंट्स कैश्यूज बन जाएं और फिर ए और पी के बीच में हम ये दिखा दें कि कोई रिलेशन नहीं है है ना नो पीनट पीनट्स इज एलमेंट्स ये भी सेटिस्फाई हो रहा है हमारा ऑल पीनट्स इज कैश्यूज़ ये भी सेटिस्फाई हो जा रहा है और वॉलट और पीनट का तो सेटिस्फाई हो ही रहा है और ऑल एलिमेंड्स भी कैश्यूज के अंदर आ गए हैं तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा ठीक है अब देखिए सम कैश्यूज कैन बी कुछ कैश्यूज जो है वो वॉलट हो सकते हैं सम कैश्यूज कैन बी वॉलट हम अपना नॉर्मल वाला डायग्राम फिर से बना लेंगे अब देखिए सम कैश्यूज कैन बी वॉलट कुछ कैश्यू वॉलट हो सकते हैं बोल रहा है हो नहीं सकते वो हैं ठीक है बार बार ये वाला क्वेश्चन आ रहा है आप देख रहे होंगे हो नहीं सकते वो ऑलरेडी हैं तो आप पॉसिबिलिटी क्यों लगा रहे हैं कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी कैन बी लिखा रहे या पॉसिबिलिटी लिखा रहे उसका मतलब पॉसिबिलिटी ही है तो आप कोई सही चीज़ के बारे में पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते वो है ऑटोमेटिकली वो है पहले से ऑलरेडी तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही है ठीक है सम वॉलट इज़ नॉट ऑलमंड देखिए सम नॉट का कंडीशन आता है तो मैंने आपको बोला है ऑल चेक करके देखिएगा लेकिन यहाँ पर चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें दिख रहा है कि वॉलनट का वो पार्ट जो पीनट्स में शामिल है वो कभी भी ऑलमंड नहीं होगा क्योंकि पूरे के पूरे पीनट्स ऑलमंड नहीं होंगे तो वॉलनट का भी तो वो पार्ट है इसमें शामिल जो पीन जो ऑलमंड नहीं होगा इसलिए बोल रहा है सम ऑलमंड हाँ ऑलमंड हाँ सही बात है कि कुछ ऑलमंड कुछ वॉलनट ऑलमंड नहीं हो सकते ठीक है तो ये वाला भी सही हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट डाउन करिएगा मैं समझा दूंगी उसके बाद देखिए और सबसे बड़ी बात है आप उसको रिपीट करके देखिए ना आपको समझ में आएगा अब देखिए ओनली अ फ्यू राइस इज कॉर्न ठीक है ओनली अ फ्यू राइस इज कॉर्न ठीक है ओनली कॉर्न इज मेज सिर्फ कॉर्न ही मेज हो सकता है इस केस में डायग्राम ऐसा बनेगा सम कॉर्न इज ओट्स ठीक है ऐसा बना दिया हम लोगों ने अब देख फर्स्ट कंक्लूजन में क्या बोल रहा है सम कॉर्न इज नॉट राइस अब देखिए सम कॉर्न इज नॉट राइस अगर ये एम यहाँ पर नहीं होता ना तब ये फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो जाता ठीक है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कॉर्न जो है वो राइस नहीं है लेकिन यहाँ जो एम आ गया है ना दैट मीन्स मेज़ मैंने आपको समझाया था ना बोला है ओनली कॉर्न इज मेज तो ये मेज़ वाला पोर्शन कभी भी राइस नहीं होगा तो इसलिए सम कॉर्न जो है सम कॉर्न में मेज़ को आप ले सकते हैं सम कॉर्न इज नॉट राइस तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा ठीक है अब देखिए नो ओट्स इज राइस ओट्स और राइस के बीच में आपको कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं दिख रहा है आप तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते थे ना तब तो ओट्स राइस हो जाता तो है या नहीं है ये हमें नहीं पता इसलिए हम नो no ओट्स तो नहीं कह सकते ठीक है फिफ्टी परसेंट पॉसिबिलिटी है तो इसलिए ऐसे कह नहीं सकते हैं अब छोड़ दीजिए अब थर्ड वाला देखिए ऑल कॉर्न कैन बी ओट्स क्या ऑल कॉर्न जो है वो ओट्स हो सकता है एक बार फिर से अपना डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं हाँ कहता है ऑल कॉर्न कैन बी ओट्स ठीक है तो क्या सी को अगर हम लोग पूरा का पूरा ओ के अंदर रख देंगे ऑल कॉर्न कैन बी ओट्स बनाने के लिए तो सी के अंदर जो एम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है यहाँ पर लिखा हुआ था सिर्फ कॉर्न ही मेज़ हो सकता है बट ऐसे करने से तो ओट्स भी मेज हो जा रहा है, है ना ओट्स के अंदर का पार्ट भी मेज में शामिल हो जा रहा है तो ये हम नहीं कर सकते ये हमें हमेशा ध्यान देना पड़ेगा जब भी कोई स्टेटमेंट ओनली वाला रहेगा हमारे क्वेश्चन में तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि इस टाइप का कोई भी डायग्राम ना बने ठीक है तो ऑल कॉन कैन बी ओट्स भी नहीं बनेगा ये भी नहीं हुआ सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला सही हुआ तो यहां पे आंसर क्या होगा ओनली फर्स्ट वॉलोस ठीक है अब देखिए ओनली अ फ्यू बार्ली इज वीट कुछ ही बार्ली जो है वो वीट है ठीक है ऑल वीट इज सेलोमे सेमोलेना ऑल वीट इज सेमोलेना ठीक है ओनली सेमोलेना इज फ्लोर सिर्फ सेमोलेना ही फ्लोर हो सकते हैं तो किनारे में ऐसे डायग्राम बना लेंगे बिना डब्ल्यू से सटाए हुए ठीक है सम वीट कैन बी फ्लोर क्या कुछ वीट फ्लोर हो सकते हैं नो no. नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ सेमोलीना ही फ्लोर हो सकते हैं ठीक ऑल सेमोलिना कैन नेवर बी बार्ली पूरा का पूरा सेमोलिना बार्ली नहीं हो सकता हाँ ये पूरे एस को हम लोग यहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि एस के अंदर एफ़ भी है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा एफ किसी से भी सटना नहीं चाहिए किसी के भी अंदर नहीं आना चाहिए एस के अलावा ठीक है ओनली का केस दिया हुआ है इसलिए ऑल सेमुलिना कैन नेवर बी बार्ली ये कंडीशन सही है ठीक है पूरा का पूरा एस को हम लोग बी के अंदर नहीं रख सकते नो बार्ली इसमोलिना नो बार्ली इज सेमुलिना ये तो गलत है कुछ बार्ली तो सेमुलिना में आ रही है दिख रहा है हमें डायग्राम से तो नो बार्ली सेमुलना ये भी हम नहीं बोल सकते ठीक है तो आंसर क्या होगा यहां पर आंसर होगा ओनली सेकेंड फॉलोस ठीक है डी होगा आंसर ओनली सेकेंड फॉलोस अब देखिए ओनली अ फ्यू कैपेसिटी इज पोटेंशियल सम पोटेंशियल इज एबिलिटी सम पोटेंशियल इज एबिलिटी ओनली एबिलिटी इज पावर ठीक है ओनली एबिलिटी इज पावर सम कैपेसिटी इज नॉट अ पोटेंशियल कंक्लूजन चेक करते हैं सम कैपेसिटी इज नॉट अ पोटेंशियल हाँ जब सिर्फ कुछ ही ओनली अ फ्यू कैपेसिटी पोटेंशियल हो सकते हैं तो हाँ कुछ कैपेसिटी जो है इधर वाला पार्ट ये पोटेंशियल कभी नहीं होंगे तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला वो सही है ठीक है अब देखिए ऑल पोटेंशियल कैन बी एबिलिटी सारा का सारा पोटेंशियल जो है वो एबिलिटी हो सकता है चेक कर सकते हैं आप पोटेंशियल सारा का सारा एबिलिटी हो सकता है और एबिलिटी के अंदर ही हम एफ़ को डाल देंगे यहाँ पे किनारे में ठीक है और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर देंगे कैपेसिटी ठीक तो हाँ ये तो पॉसिबल हो जा रहा है तो ऑल पोटेंशियल जो होगा वो एबिलिटी हो सकता है ठीक है डायग्राम ड्रॉ करके देखना है पॉसिबिलिटी अगर आपको दिख रही है कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी अगर आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है तो आप डायग्राम ड्रा करके कर देख लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखिए सम एबिलिटी बींग कैपेसिटी इज अ पॉसिबिलिटी कुछ एबिलिटी कैपेसिटी हो जाए ये पॉसिबिलिटी है हाँ इस डायग्राम को थोड़ा सा आप खिसका के बना दीजिए बस ये बात है कि एफ को सबसे अलग रखिएगा एफ नहीं पावर ये वाला जो है इसको थोड़ा सा अलग रखिएगा पावर को ठीक है तीनों से हटाकर मतलब सिर्फ ए के अंदर रहे ऐसा हमें रखना है इन दोनों से हटा के रखना है बाकी इस ए वाले डायग्राम को थोड़ा सा इधर कर देंगे कैपेसिटी के अंदर ऐसे ऐसे तो ऑलरेडी ये बन जाएगा तो सम एबिलिटी बींग कैपेसिटी इज अ पॉसिबिलिटी भी सही हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑल फॉलोस ठीक है लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का सेशन का अ फ्यू ओनली अ फ्यू टैलेंट इज स्किल ओनली अ फ्यू टैलेंट इज स्किल ठीक है ऑल टैलेंट इज एक्सपर्ट ओके ऑल टैलेंट इज एक्सपर्ट नो एक्सपर्ट इज स्ट्रेंथ ओके एस टी लिख देते हैं इसको नो एक्सपर्ट इज स्ट्रेंथ ठीक सम स्ट्रेंथ इज टैलेंट ऐसा हमारा कंक्लूजन है कुछ स्ट्रेंथ टैलेंट है देखिए कुछ स्ट्रेंथ टैलेंट है नहीं है क्योंकि जब एक्सपर्ट ही स्ट्रेंथ नहीं है तो इसके अंदर वाला कैसे हो सकता है जब ई e और एस टी में कोई रिलेशन नहीं है तो ई e के अंदर ही तो ये टी है इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा इसलिए नहीं कह सकते ऑल एक्सपर्ट कैन बी स्किल ये जो है ऑल एक्सपर्ट क्या वो स्किल हो सकता है अगर आप इसे इसके अंदर रख देंगे ऑल एक्सपर्ट को स्किल के अंदर रख देंगे और फिर आपको टी को इसके अंदर रखना पड़ेगा समझ में आ रहा है को आपको एक सेकेंड ऑल एक्सपर्ट को स्किल के अंदर डालने के लिए आपको ऐसा कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा S के अंदर e आना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे अगर ई e अंदर डाल दिया है तो ई e के अंदर तो टी था ना तो टी को भी यहाँ अंदर डालना पड़ेगा लेकिन इस तरीके से तो पूरा का पूरा टैलेंट स्किल बन गया लेकिन यहाँ पे कोई हमारा स्टेटमेंट क्या है ओनली अ फ्यू टैलेंट इज स्किल पूरा पो पूरा टी जो है वो ऐस नहीं हो सकता इसलिए ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा ठीक है ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा ऑल एक्सपर्ट कैन भी स्किल पूरा एक्सपर्ट स्किल नहीं हो सकता क्योंकि पूरा एक्सपर्ट अगर स्किल होगा तो टैलेंट को भी इसके अंदर आना पड़ेगा और अंदर ये नहीं आ सकता क्योंकि ओनली अ फ्यू टैलेंट इज स्किल ठीक है अब देखिए नो स्किल इज स्ट्रेंथ कोई भी स्किल जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है कोई भी स्किल जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है ऐसा कोई कंडीशन uh, हमारे सामने दिख रहा है क्या हम तो इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते थे देखिए हम इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते थे ना कि एस टी आर स्ट्रेंथ को स्किल को हम रिलेशन दे देते और यहाँ से इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ऐसा भी बन सकता है तो आप कोई परफेक्ट चीज़ तो कह नहीं सकते स्किल और स्ट्रेंथ के बारे में या तो वो नहीं रिलेटेड हैं या तो वो रिलेटेड हैं तो आप नो स्किल इज स्ट्रेंथ नहीं कह सकते इसलिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा ठीक है इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा नन फॉलोस ई नन फॉलोस आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा वहाँ पर आ, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको समझा दिया जाएगा और अगर आप और सेशंस चाहते हैं स्टोलॉजिज्म तो से ही रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक का नेम होगा उसे कमेंट करिएगा ठीक है सो दैट वाज ऑल एंड फ्रेंड्स दीज क्वेश्चंस वेर टेकन फ्रॉम गाइडलीज पी डी एफ बंडल पी डी एफ कोर्स यहाँ पर आप देखिए सिक्सटीन क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको सेवनटीन एटीन नाइनटीन यही सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं ये पीओ प्रिलिम्स का एक पैकेज है जिसको मैंने ओपन करके आपको शो कर रही हूँ ऐसे ही अलग अलग प्रिलम्स के लिए मेन्स के लिए अलग अलग पैकेज आपको दिखेंगे वहां पर आपको मैंने लास्ट सेशन से बता चुकी हूँ कि आपको डे वाइज पी डी एफ्स मिलते हैं जिसमें आप रीजनिंग क्वांट इंग्लिश सबकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम लेवल होते हैं बाई लैंग्वेज है इनका हिंदी में भी अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा पेपर हिंदी में मिल जाए क्योंकि क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन अवेलेबल होना बहुत मुश्किल होता है तो आपको पूरा का पूरा पैकेज ही हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा और इंग्लिश में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे के सारे डेज वाइज आप पी uh, को फॉलो कर सकते हैं इसमें आपको न्यू इंटरफेस भी मिलेगा जैसा कि आर में आ रहा है वैसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा ठीक है और उसके बाद आपको जब ये क्वेश्चन हो जाते हैं ना तो देखिए क्लिक हीयर टू गेट द डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन या तो आप वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हैं या तो आप देख सकते हैं कि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से दिया रहता है तो बहुत ही अच्छा पैकेज है कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बंडल को पीडीएफ कोर्स जो है उसे परचेज़ कर सकते हैं या अगर आपको सारे के सारे पीडीएफ सारे के सारे एग्जाम वाइज पीडीएफ का कोर्स का एक्सेस चाहिए तो आप ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं ठीक है सो so, लिंक आपको गाइडली का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं सो दैट वॉज ऑल फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चन आज के समझ में आ गए होंगे एंड आई होप आपको सिलॉजिजम अब क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं